गया निषाद समाज ने आरक्षण की आवाज बुलंद की। गया निषाद आरक्षण की आवाज बुलंद करते हुए निषाद आरक्षण संवाद बस यात्रा गुरुवार को गया पहुंची, जहां शहर के गांधी मैदान के समीप निषाद समाज के लोगी बस यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर निषाद समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सानी ने कहा कि बस यात्रा का उद्देश्य निषाद आरक्षण की लड़ाई को घर घर तक पहुंचकर उसे मृत रूप देना है। यह यात्रा बिहार के प्रत्येक जिलों से होकर गुजर रही थी। आगामी 4 नवंबर को पटना के गांधी में निषाद महारौला आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे बिहार से लगभग 20 लाख लोग शामिल होंगे। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सानी ने कहा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य निषाद समाज के लोगों के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ना है। विगत 4 सालों से आरक्षण की मांग की जा रही है, लेकिन कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। अगर आगामी 4 नवंबर तक निषाद समाज को आरक्षण लागू नहीं किया गया तो एक बड़ी पार्टी के नाम का ऐलान भी किया जाएगा, जो आने वाले चुनाव में सस्ता परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ है, समाज को विकास के पथ पर आगे लाने के लिए आरक्षण जरूरी है। इसी मांग को लेकर बिहार के सभी जिलों में भ्रमण किया जा रहा है। जब देश के संविधान एक है, सारा देश एक है, तो फिर बिहार में निषाद समाज के लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? देश के अन्य राज्यों में निषाद समाज को आरक्षण मिला हुआ है, जबकि बिहार में यह आरक्षण लागू नहीं है। बिहार में हमारे समाज की आबादी 14% के आसपास है, ऐसे में उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्त यात्रा जहां भी जा रही है, समाज के लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। बिहार के जिन जिलों में यात्रा हो चुकी है, वहां समाज के लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। संवाद यात्रा के दौरान PRO सर्वेश कश्यप सहित संघ के कई पदाधिकारी के साथ महिला और पुरुष मौजूद थे। पूरे बिहार में निषाद विकास संघ के तरफ से पूरे बिहार में रथ यात्रा निकला हुआ है। निषाद समाज को अपने मान सम्मान अधिकार के लिए हमारे मुख्य लड़ाई है। पिछले 4 साल से लड़े कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। जब देश एक है, संविधान एक है, तो निषाद समाज के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? हमारे समाज को बंगाल में, उड़ीसा, दिल्ली जैसे राज्य में आरक्षण मिला, लेकिन बिहार में नहीं मिला। बिहार में 2015 में जब बिहार सरकार ने कैबिनेट पास करके दिल्ली सरकार को भेज दिया गया, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी ने आश्वासन दिया था कि आने वाले समय में हमारी सरकार आपके समाज के साथ न्याय करेगा, आरक्षण देगा, लेकिन 3 साल बीत चुका है, अभी उन्होंने इस पर ठोस निर्णय नहीं लिया। इसलिए हम लोग पिछले महीना 1 तारीख से ही पूरे बिहार में 55 दिन से लगातार पूरे बिहार में रथ यात्रा निकाले हैं, जो ये आज 37वां जिला है। यहाँ पे हम लोग रथ यात्रा के माध्यम से समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि समाज को आरक्षण मिले। और 4 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में निषाद महारैला का आयोजन किया गया है, जहाँ निषाद समाज पूरे बिहार से 10 लाख संख्या में अपने शक्ति का एहसास कराएंगे। और 4 नवंबर तक आरक्षण लागू नहीं किए देश का सरकार, तो 4 नवंबर को एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम का घोषणा होगा, और आने वाले समय में हम लोग सत्ता परिवर्तन के लिए बिहार में लड़ाई लड़ेंगे। आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ पहले आप आए थे, जहाँ आप गए कैसा फीडबैक समाज के लोग? आप देख ही सकते हैं, अभी आपके जिला गया में पहुंचे, और आप देख ही रहे हमारे समाज के लोगों का हुजूम। हम निषाद समाज 22 उपजाति के नाम से जाने जाते हैं, और 14% हमारा पूरे बिहार में जनसंख्या है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में आज 3% वाले लोग बिहार का मुख्यमंत्री बन रहा है, हमारे पास 14% संख्या है, और बिहार में निषाद समाज अभी अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, और जनसमूह तो आप देख ही रहे कि कितना बड़ा जनसमूह है। क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज के लोगों को? समाज के लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, समाज जागरूक हो, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करे, और अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए, और समाज को बेहतर दिशा के लिए। गया से प्रवीण ओझा की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज, गया।